हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर, और भूतिया डरावनी कहानी सुनना कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। फटाफट अपने हेडफोन लगा लें क्योंकि कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। माधोपुर एक छोटा सा गांव था जहाँ सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। गांव में एक लड़का रहता था राघव, जो पढ़ाई और खेल कूद में काफ़ी अच्छा था। गांव के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। और एक दिन वो गांव में एक ही दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा था कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो बच्चा बेहोश हो गया। गाँव के लोग उसे उठाकर उसके घर तक पहुँचा गए। गांव के वैद्य काका ने उसका इलाज किया तो उसे होश आ गया। वैद्य ने उसे आराम करने की सलाह दी। वो आराम करने लगा। सुबह जब उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो कमरे की हालत देखकर उसकी माँ चौंक सी गई। राघव का कमरा एकदम साफ सुथरा था। बिस्तर पर सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई थी। कमरे से मोगरे की खुशबू आ रही थी। राघव भी एकदम अलग नज़र आ रहा था। वो अपना सर नीचे कर बैठा हुआ था और मानो अभी नहा धोकर बैठा हो। उसकी माँ उसके करीब गई तो उसके शरीर से चंदन की महक आ रही थी। पर जब उसकी माँ ने उसे छूना चाहा तो वो एकदम से गुर्राने जैसी आवाज़ निकालने लगा, मानो कोई जानवर गुर्रा रहा हो। अचानक से राघव ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी माँ एकदम से डर गई। राघव का चेहरा एकदम बदल चुका था। बहुत ही डरावना राघव का चेहरा लग रहा था। वो फिर गुर्राने सी आवाज़ में बोला, चले जाओ मेरे कमरे से, चले जाओ मेरे कमरे से, जो भी मेरे कमरे में आएगा वो मारा जाएगा। और राघव की माँ डर के मारे उसके कमरे से बाहर भाग गई। उसने तुरंत जाकर ये बात राघव के पिताजी को बताई। वो भी राघव के कमरे में घुसने ही वाले थे कि अंदर से आवाज़ आई, मेरे कमरे को अगर गंदे पैरों से गंदा किया तो समझो तुम मर चले, तुम मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। और फिर दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ ही बंद हो गया। राघव के पिताजी उसका ये भयानक रूप देखकर ही समझ गए कि कुछ भयंकर चीज़ इसके अंदर है। वो तुरंत गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास गए और तांत्रिक को साथ लेकर लौटे। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही राघव के कमरे के बाहर अपने कदम रखे वो तुरंत समझ गए कि अंदर कोई ख़तरनाक आत्मा है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा अंदर से आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, तांत्रिक चला जा वरना तू भी मरेगा। पर दोस्तों, तांत्रिक बाबा ने बिना डरे दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देख वो चौंक गए। अंदर इतनी सफाई थी कि मानो धूल का एक कहीं भी निशान भी ना हो। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। तांत्रिक बाबा ने तुरंत कमरे के दरवाज़े को बाहर से बंद कर दिया और दरवाज़े को बंद कर वो कांपने लगे। उन्होंने कहा, इस बच्चे पर भ्रम राक्षस का कब्जा है, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, जल्दी से इसे बच्ची के शरीर से अलग नहीं किया गया ना तो ये बच्चे की जान भी ले सकता है। आप लोग गलती से भी इस कमरे के अंदर मत जाना वरना आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। और इसे मैं नहीं भगा पाऊँगा, मुझे अपने गुरु जी को ही बुलाना पड़ेगा, वही शायद इसे बच्चे के शरीर से निकाल पाएंगे। और फिर सभी लोग एकदम से सहम गए। तभी राघव की माँ ने पूछा, ये बाबा ये भ्रम राक्षस क्या होता है,
तो बाबा ने बताना शुरू किया, जब किसी बच्चे का उपनयन संस्कार होता है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें जिस बच्चे को नव संस्कार होता है उस बच्चे को तालाब में अपनी लाठी को एक ही सांस में डालकर वापस ऊपर आना होता है। पर अगर वो तालाब में डूब जाता है तो वो मरकर ब्रह्म राक्षस बन जाता है और पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगता है। अगर कोई गलती से भी इसके संपर्क में आ जाए तो फिर ब्रह्म राक्षस उसके शरीर पर कब्जा जमा लेते हैं। इसको साफ़ सफाई बहुत पसंद होता है। ये जहाँ होता है वहाँ चारों तरफ फूलों की खुशबू और चंदन की महक आती है, पर यह धीरे धीरे उसके शरीर को खा रहा होता है और अंत उस इंसान की मौत हो जाती है। ये सब सुनकर राघव की माँ रोने लगी। तभी तांत्रिक ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी गुरु जी को लेकर आता हूँ। और फिर जल्द ही गुरु जी आ पहुँचे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोग किया, राघव को किसी तरह यज्ञ के सामने बिठाया गया। तभी गुरु जी बोले, तूने बच्चे के शरीर पर कब्जा क्यों किया? हाँ, तभी उसने कहा, मुझे छोड़ दे मूर्ख, वरना तू भी मरेगा। गुरुजी ने यज्ञ की अग्नि में कुछ डाला तो वो आत्मा तड़प उठी। तभी गुरुजी ने कहा, जल्दी बता वरना अगली बार तू जलेगा। तभी उस ब्रह्म राक्षस ने बताया, इस बच्चे ने मेरे निवास स्थान पर पेशाब कर उसे अपवित्र कर दिया, इसलिए मैंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, अब ये भी मरेगा। तभी गुरुजी ने कहा, कहाँ है तेरा घर? हाँ, मैं उसे पवित्र करूँगा, बता। तभी उसने कहा, गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पर मेरा निवास स्थान है। तभी गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं उसे पवित्र कर दूँगा और अगली बार से कोई भी तेरे निवास स्थान के पास भी नहीं भटकेगा, बस अब तू इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे। तभी उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुझे एक बकरा भी चाहिए, तभी मैं इसके शरीर को छोड़ूंगा। और फिर इस पर गुरुजी ने कहा, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे तुझे एक जिंदा बकरा मिल जाएगा। और फिर गुरुजी ने उस पीपल के पेड़ का शुद्धिकरण किया और एक जिंदा बकरे को नीचे बांध दिया। फिर बिना मुड़े लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर उस ब्रह्म राक्षस ने राघव के शरीर को छोड़ दिया और बकरे को खींचकर पीपल के पेड़ के ऊपर ले गया। और उसके बाद से वो गांव वाले उस पीपल के पेड़ पर नहीं गए और बच्चों को भी उन लोगों ने मना कर दिया कि उस पेड़ के आसपास भी खेलने कूदने मत जाना। और फिर उसके बाद ना ही वहाँ उस पीपल के पास गांव में से कोई भी गया, ना तो बच्चे गए। और फिर इसके बाद वो ब्रह्म राक्षस गांव में या गांव के अंदर नहीं आया। और फिर से गांव वाले अपने अपने काम में बिजी हो गए। और दोस्तों कहते हैं कि आज भी वो ब्रह्म राक्षस उस पेड़ पर रहता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को कहां कहां से सुनते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नई वीडियो में मैं आपके नाम बता सकूं कि ये हमारे भाई वहां से सुन रहे हैं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।